नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल को तेलंगाना हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी से पूछताछ के लिए सीबीआई पर कई तरह की बंदिशें लगाई गई थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच हाईकोर्ट के फैसले पर इतना नाराज हुई कि यहां तक कह दिया कि अगर यही हालात है तो सीबीआई की जरूरत ही क्या है, जांच एजेंसी पर ताला लगा देना चाहिए। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट का ऐसा फैसला आपराधिक न्याय शास्त्र के पुनर्लेखन जैसा है। बिहार के 18 देशों में लोग काम की तलाश में हर साल पहुंच रहे, लेकिन विदेश मंत्रालय के आंकड़ों को देखें तो 2022 में सबसे अधिक 60,000 लोग विदेश गए हैं। वहीं यूपी बंगाल की बात करें तो अब भी बिहार से अधिक लोग विदेशों में काम करने जाते हैं। श्रम संसाधन विभाग के मुताबिक बिहार से विदेशों में काम करने वालों को बेहतर सुविधाएं दी गई है। जिलों में निबंधित एजेंटों की संख्या बढ़ाई गई है, साथ ही विदेशों में काम करने जाने से पूर्व इन लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि जिस देश में वह पहुंचे वहां पर उन्हें काम करने में किसी तरह की परेशानी ना हो। पीएम नरेंद्र मोदी केरल के दौरे पर है। पीएम ने अपने दौरे पर प्रदेशवासियों को कई सौगातें भी दी है। मोदी ने तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पर केरल की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। जिसके अलावे पीएम ने देश की पहली वाटर मेट्रो का भी उद्घाटन किया है। मोदी ने करीब 3,200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है। भारतीय लोकतंत्र के लिए 24 अप्रैल का दिन बेहद अहम है। 50 साल पहले इसी दिन सुप्रीम कोर्ट की 13 सदस्यीय बेंच ने केशवानंद भारती केस की सुनवाई करते हुए संसद की मौलिक अधिकारों सहित संविधान के मूल ढांचे में संशोधन रोकने वाला ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार और आखिरी बार इतने ज्यादा सदस्यों की बेंच बैठी थी। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी संविधान से ऊपर नहीं है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर फैसले के रिकॉर्ड को अपलोड किया है। सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि यह फैसला न सिर्फ कानूनी पढ़ाई करने वाले पर है बल्कि देश विदेश के बाकी लोग भी जान सके। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत रुचिरा कम्बोज ने सुरक्षा परिषद की बैठक में पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने के बाद दृढ़ता के साथ कहा है वह ऐसी बेकार टिप्पणियों का जवाब देकर परिषद का समय बर्बाद नहीं करेंगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने, संयुक्त के चार्टर के सिद्धांतों को कायम रखते हुए प्रभावी बहुपक्षवाद विषय पर चर्चा के दौरान कम्बोज ने पाकिस्तानी की टिप्पणियों पर कड़ा जवाब दिया है। मध्य प्रदेश में छात्रवृत्ति घोटाले में पैरा मेडिकल कॉलेजों से पूरी राशि न वसूले जाने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। इसके साथ ही सभी राशि वसूले जाने के लिए एक दिन की मोहलत भी दी है। दरअसल पैरा मेडिकल कॉलेजों द्वारा छात्रवृत्ति के नाम पर 24 करोड़ रुपए हड़प लिए गए जिनमें से सरकार केवल 4 करोड़ रुपए ही वसूल पाई है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज न होने पर 7 पहलवानों के समूह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अदालत ने इस मामले को सूचीबद्ध करते हुए शुक्रवार को सुनवाई की तारीख तय की है। सर्वोच्च न्यायालय ने 7 महिला पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ याचिका दायर की। अदालत ने इनकी याचिका पर संज्ञान लेने के साथ ही आदेश भी दिया है कि सभी महिला याचिकाकर्ताओं के नाम न्यायिक रिकॉर्ड से हटाए जाएं ताकि उनकी पहचान उजागर ना हो सके। तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन गेम्स के लिए एक नया रूल बनाया है। इसके तहत अब देश या विदेशी गेम बनाने वाले कंपनियों को अपने आप को ऑनलाइन गेमिंग कमीशन में रजिस्टर कराना होगा। जो लोग ऐसा करेंगे उनके गेम्स को बढ़ावा दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए कंपनियों को 1,00,000 रुपए की फीस तमिलनाडु गेमिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी को जमा करनी होगी ताकि उन्हें गेम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल सके। फाइल जमा करने के बाद एसोसिएशन उसे रिव्यू करेगा और 15 दिन के भीतर इसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो भी नियमों के तहत होगा वो एक्शन ले सकता है। LAC पर भारत और चीनी सेना के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। 3 साल के लंबे सैन्य टकराव को शांत करने के लिए कई बार की बैठक के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। अब क्योंकि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के लिए चीन के रक्षा मंत्री जनरल ली सांगफू 27 अप्रैल को नई दिल्ली आ रहे हैं तो ऐसा माना जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उनकी LAC के मसले पर बैठक हो सकती है। 2020 के बाद किसी भी चीनी रक्षा मंत्री का यह पहला दौरा है। LAC पर तनाव के बीच चीनी मंत्री का यह दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने गृह मंत्री अमित शाह के गवर्नर रहते हुए चुप क्यों रहने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये कहना गलत है कि जब मैं पावर में नहीं हूँ तब सवाल उठा रहा हूँ। राजस्थान के सीकर में मीडिया से बातचीत में मलिक ने ये भी बात कही है। फरवरी 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुआ आतंकी हमले से CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। सत्यपाल मलिक उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। मलिक ने हाल ही में पुलवामा हमले को इंटेलिजेंस को फेलियर बताते हुए आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार ने जवानों को एयरक्राफ्ट देने से इनकार कर दिया था। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अपने शुल्क में बदलाव किया। इस बदलाव के तहत अब आधार कार्ड को अपडेट कराने और नया आधार कार्ड बनाने के लिए नए शुल्क तय किए गए हैं जिसके तहत अब 5 से 17 साल के उम्र के लोगों को आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद में सोमवार को आयोजित रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि महान देश भारत अपना लक्ष्य खो बैठा है।
अगली सरकार बीआरएस की बनेगी, फिर बड़े स्तर पर राष्ट्रीयकरण होगा, सीधी उंगली से घी नहीं निकलने तो उंगली टेढ़ी करनी होगी। डिजिटल इंडिया मजाक बन गया, महाराष्ट्र में बीआरएस सरकार बनाइए तो प्रत्येक घर में पेयजल व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही बीआरएस का स्थायी कार्यालय महाराष्ट्र में खुलेगा। राज्य सरकार की तरफ से भेजे विधेयकों को राज्यपालों को फौरन मंजूर करना चाहिए या फिर असहमति की स्थिति हो तो तत्काल वापस कर देना चाहिए। विधेयकों को लटकाकर रखने का कोई कारण नहीं बनता, यह टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्यपालों के कामकाज को लेकर की गई है। तेलंगाना सरकार ने गवर्नर टी सुंदर राजन की तरफ से विधेयकों पर फैसला न लिए जाने को लेकर शीर्ष अदालत में अर्जी दाखिल की थी। सरकार का कहना है कि गवर्नर ने उसकी तरफ से भेजे गए विधेयकों पर एक महीने से कोई निर्णय नहीं लिया है, जिन्हें विधानसभा ने पारित करके भेजा था। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई लेखक व विचारक तारिक फतेह के निधन से उनके भारतीय फैंस को बड़ा धक्का लगा है। पाकिस्तानी होने के बावजूद वे खुद को हिंदुस्तान का बेटा कहते थे। उन्होंने हमेशा धार्मिक कट्टरता, इस्लामिक कट्टरपंथी भारतीयों और पाकिस्तानी मुसलमानों के गलत कार्यों की हमेशा आलोचना की है। इसी वजह से मजहबी कट्टरता फैलाने वाले उन्हें अपना दुश्मन मानते थे। चैट जीपीटी के आने के बाद से एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खूब चर्चा हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाए गए फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। एक ऐसा वीडियो उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी शेयर किया है। आनंद महिंद्रा ने इस वीडियो को शेयर कर लिखा है कि एक वीडियो प्राप्त हुआ है, इसमें 5 साल की बच्ची का पोर्ट्रेट बनाया गया है। यह बच्ची 95 साल की वृद्ध महिला बन चुकी है। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं डरता हूँ, इसकी ताकत अद्भुत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने यह धमकी डायल 112 पर मैसेज करके भेजी गई है। सीएम योगी को मिली धमकी की खबर से शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड में आ गई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ सुशांत गोल सिटी थाना में FIR दर्ज करवाई है। पुलिस फिलहाल आरोपी का नंबर और उसकी लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास कर रही है। अगर आप चैरिटीज या गैर सरकारी संगठनों को रोजाना दान करते हैं तो आप आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 ग के तहत इस तरह के दान के साथ आने वाले टैक्स छूट लाभ ले सकते हैं। अब से आयकर रिटर्न दाखिल करने समय टैक्स छूट का लाभ देने के लिए आपको एक TDS एक जैसे एक प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। इस सर्टिफिकेट को दान प्राप्त करने वाली संस्था या NGO द्वारा आयकर विभाग के ई फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है, जिसे आपने दान दिया है। चीन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से भारत और चीन के बीच 18वें दौर के कॉर्पोरेट्स कमांडर की बैठक के बाद बयान सामने आया है। इसमें कहा गया है कि बैठक में चीन और भारत दोनों ही देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने को लेकर सहमति जताई गई है। साथ ही पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से जारी गतिरोध से जुड़े प्रासंगिक मुद्दों पर का समाधान तेजी से हो इसे लेकर सहमति हुई है। 23 अप्रैल को चुसूल मोलदो सीमा बैठक प्वाइंट पर चीन भारत कोर कमांडर स्तर की बैठक हुई। इसमें दोनों ही देश के सैन्य अधिकारियों ने 18वें राउंड की बैठक की। ये बैठक दोनों देशों के बीच 5 महीने बाद हुई। इसमें भारत की तरफ से फायरी फ्यूरी कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रसीम बाली भी शामिल हुए हैं। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख सीमा पर हमेशा तनातनी की स्थिति कायम रहती है। पिछले 5 दशक से ज्यादा समय से भारत और चीन के बीच यहाँ सीमा को लेकर विवाद है। साल 2020 में हुए गलवान संघर्ष में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच झड़प हुई थी, जिसने दोनों देशों की राजनीति में भूचाल ला दिया था। अब इस घटना पर डायरेक्टर अपूर्व लखिया फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसमें भारतीय सेना की वीरता पर कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा। DLF मामले में रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट देने पर इनेलो प्रमुख और हरियाणा के पूर्व CM ओम प्रकाश चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने दोनों पार्टियों पर मिली भगत का आरोप लगाया है। सोमवार को उन्होंने इनेलो जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं। भारत के दिग्गज उद्योगपति और टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। ऑस्ट्रेलिया के राजदूत ने इसकी ट्विटर पर जानकारी देते हुए कहा है कि रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के राजदूत बैरी ओ फेडल ने अपने ट्वीट में कहा कि भारत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया में भी रतन टाटा का योगदान रहा है, ये एक दिग्गज बिजनेसमैन है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज CM शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट अहम बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इस कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग करते हुए मध्य प्रदेश सरकार को प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि विभिन्न प्रकार के पट्टे देने की कैबिनेट में सहमति दी है। वह इस बैठक में एक अहम फैसले पर मुहर लगाते हुए अगले 5 सालों के लिए 7,000 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की गई थी, हालांकि केंद्र इसका विरोध कर रही है। अब इस कड़ी में समलैंगिक जोड़ों के माता पिता ने CJI को खुली चिट्ठी लिखी है। समलैंगिक जोड़ों की 400 से ज्यादा माता पिताओं की एक संस्था है, स्वीकार द रेनबो पेरेंट, संस्था ने CJI के पत्र लिखा है। इसमें अपील की गई है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत समलैंगिक जोड़ों की शादी को कानूनी मान्यता दी जाए।
भारतीय एंटरप्रेन्योर और शादी डॉट कॉम के फाउंडर अनुपम मित्तल ट्विटर से अपने ब्लू टिक बैज के हटाने के बाद एलन मस्क से खफा हो गए। अपनी निराशा व्यक्त करते हुए अनुपम मित्तल ने लिखा है कि वह अपने टेस्ला कार खरीदने की योजना को रद्द कर देंगे। अनुपम मित्तल ने लिखा है कि वे टेस्ला कार खरीदना चाहते थे, लेकिन अब उन्होंने अपने इस प्लान को रद्द कर दिया है। मित्तल के इस ट्वीट से यूजर्स हैरान थे और उन्होंने ब्लू बैज के लिए भुगतान करने की सलाह दी। कुछ लोगों ने तो उनको शादी डॉट कॉम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन चार्ज की भी याद दिला दी। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जर्मन मीडिया कंपनी डेड स्पिगल के कार्टून में भारत को चीन को पछाड़ते हुए सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चित्रित करने के लिए नस्लवादी लहजे के लिए उसकी आलोचना की है। केंद्रीय मंत्री ने कैरिकेचर को साझा करते हुए कहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था जर्मनी से बड़ी होगी। सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से व्यापक रूप से प्रसारित है। सीमा सड़क संगठन ने उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत चीन सीमा पर बसे सीमांत गांव मानना के प्रवेश द्वार पर भारत का प्रथम गांव होने का साइन बोर्ड लगा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर भी साझा करते हुए लिखा है कि अब मानना देश का आखिरी नहीं बल्कि प्रथम गांव के रूप में जाना जाएगा। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार गेहूं के मौजूदा खरीद सीजन वर्ष 2023-24 में अभी तक गेहूं खरीद 12% बढ़ी है। खरीद का आंकड़ा 1.11 करोड़ टन हो गया है, जबकि पिछले साल 99 लाख टन गेहूं खरीद दर्ज की गई थी। केंद्र सरकार का कहना है कि सभी एजेंसियों को किसानों के गेहूं खरीद के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कर्नाटक में हनूर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार आने पर तय किया गया है कि कर्नाटक की महिलाओं को 2000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। प्रियंका गांधी ने बताया कि ये 2000 रुपए महिलाओं के खाते में सीधे भेजे जाएंगे। किसी भी समाज का और देश का भविष्य महिलाएं ही बना सकती हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हाफिज नूर अहमद के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। हाफिज ने सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ टिप्पणी की थी। उन्होंने अतीक अशरफ हत्याकांड के पीछे यूपी के मुख्यमंत्री योगी का हाथ होने की बात कही थी। लखनऊ के साइबर थाना में अज्ञात के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज हुई है। कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण कोटे को खत्म करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज होने वाली सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट अब 9 मई को मामले की सुनवाई करेगा। कर्नाटक सरकार की ओर से SG तुषार मेहता ने अनुरोध पर यह सुनवाई टली है। सुनवाई होने पर तक सरकार नोटिफिकेशन को लागू नहीं करेगी। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, एमडी साकिर हुसैन, संजय चौधरी, रविशंकर। अब बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, कई राजनीतिक पार्टियां धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करती है, इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।